तो जैसा कि कई सारे कैंडिडेट ने 22 में भी जो स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल किया होगा, अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो न्यू अपकमिंग वैकेंसीज है 23 में स्टेनोग्राफर की। इसकी मैं बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक पूरी वीडियो में पूरी जानकारी जो है देने वाला हूँ। कब से जो है फॉर्म हमको देखने को मिल सकता है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है कि अपकमिंग समय में जो है यहाँ पे SSC की कई सारी वैकेंसीज आने वाली है। हम चाहे CGL की बात करें या फिर CHSL की बात करें, तो इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे स्टेनोग्राफर है इसकी भी जो वैकेंसीज है वो अपकमिंग टाइम में आने वाली है 23 में। तो अप्रॉक्सीमेटली कब तक आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म जो है देखने को मिल सकता है, आज की इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कब से जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप भी यहाँ पे SSC स्टेनोग्राफर जो यहाँ पे अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनका आप वेट कर रहे हैं, मतलब अपकमिंग वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कब से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे वेट जरूर से कर रहे होंगे अपकमिंग 23 है यहाँ पे ईयर, ठीक है, उसमें जो है वैकेंसीज का। अब मैं आपको बता दूँ, आपको पता है एज पर रूल जो है यहाँ पे जो शेड्यूल जो है SSC की तरफ से जो यहाँ पे ऑफिशियल कैलेंडर दिया जाता है वो यहाँ से जुलाई से लेकर अप्रैल तक का होता है। अप्रैल के बाद का कोई बात का कोई शेड्यूल नहीं होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो भी 22 में जो यहाँ पे शेड्यूल आया गया था वो यहाँ पे जुलाई से लेकर अप्रैल 23 तक का है, लेकिन भाई उसके आगे का जो है कोई भी शेड्यूलमेंट नहीं दिया गया है। और अगर हम देखें जुलाई 22 से लेकर और यहाँ पे जो है अपकमिंग जो अप्रैल है, मतलब कि यहाँ पे 23 का, उसमें जो है स्टेनोग्राफर 23 के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करके चलें कि कब तक आ सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि SSC की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, बट भाई जो कैंडिडेट जो यहाँ पे स्टडी करते हैं उनको हमेशा से यहाँ पे ये रहता है कि हाँ अपकमिंग वैकेंसी कब आएगी, कब तक देखने को मिल सकती है, एक अप्रॉक्स उनको टाइमलाइन चाहिए होता है कि हाँ कम से कम एग्जैक्ट नहीं तो कुछ तो पता लगे कब तक आ सकती है। तो उसके बेसिस पे भी वो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ एक टारगेट अगर पता भी होता है भले वो अनऑफिशियल हो, बट उनको एक टारगेट लॉक हो जाता है कि हाँ हमको इतने तक जो है वेट करना चाहिए, इतने से जो है हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, देखिए फिलहाल जो है हम बात करें यहाँ पे जो है अभी भी रिसेंटली भी जो है फॉर्म कई सारे यूजर्स को जो है यहाँ पे SSC स्टेनोग्राफर के जो है यहाँ पे भरवाए गए थे, ठीक है। अभी मैं बात करूँ 23 की, तो आपको यहाँ पे जो है आने वाले समय में, मतलब 23 की अगर मैं बात करूं, तो देखिए जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो आपको अप्रैल के बाद या फिर जुलाई में हो सकता है कि नेक्स्ट 23 में देखने को मिल जाए। उसमें पूरा 23 का शेड्यूलमेंट आपको देखने को मिलेगा, जितनी वैकेंसीज होंगी चाहे CGL होगी चाहे SSC CHSL होगी या फिर ये जो स्टेनोग्राफर है ना उसकी भी इन्फॉर्मेशन उसमें जरूर से होगी ऑफिशियल वाली, ठीक है। अभी अगर हम बात करें जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, उनको बहुत ज़्यादा ये कीमती होता है कि एटलीस्ट अनऑफिशियल डेट भी तो पता चले कि हाँ भाई कब से होना है। तो देखिए वो लोग अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि जो उनका एग्जामिनेशन है यहां पे लगभग जो है सितंबर से जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मिड सितंबर से या फिर सितंबर के आसपास, सितंबर के आगे पीछे यहां से तक जो है वो लोग इतना रख सकते हैं कि हाँ भाई यहां से वो लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट उनको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी उसका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो उसके बाद जो है वो लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑफिशियल अभी कोई भी इंफॉर्मेशन तब तक नहीं आती, क्योंकि जब तक उनका जो दिया गया शेड्यूलमेंट जब तक वो कंप्लीट नहीं होता ना तब तक उनको नेक्स्ट जो SSC की तरफ से कोई नेक्स्ट जो है यहाँ पे अपकमिंग जो कैलेंडर होता है वो रिलीज नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले वो जो टाइमलाइन दिया है उस टाइमलाइन को उनको पूरा करना होता है। अब आपको पता है कि जो टाइमलाइन 23 तक का है वो अप्रैल तक का है, तो अप्रैल तक का 23 तक का पूरा कंप्लीट होने के बाद उनको यहाँ पे जुलाई में फिर से कैलेंडर जो है यहाँ पे रिलीज करना है। तो जो भी कैंडिडेट वेट करेंगे तो उनको जुलाई के बाद यहाँ पे ऑफिशियल 23 में जो एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट फिर भी जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं वो मतलब अप्रॉक्स आप ले सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट ले सकते हैं कि वहाँ से हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है आपको फॉर्म देखने को मिल जाए, और वहाँ से फॉर्म आप हो सकता है कि भर जाए आप लोग, ठीक है। बाकी भाई आप अपने बेसिस पर तैयारी करते रहिए, 100% ये श्योर है आपको 23 में वैकेंसी देखने को मिलेगी, और उसी के बेसिस पर आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, हो सकता है कि मे बी आप आने वाले समय में जो है इस फॉर्म को भर। सो होपली आपको एक आइडिया मिल गया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।